अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज फिर से वो ही हुआ जिसका डर था। आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कीमतों में आज फिर से इजाफा। आपको बताएं कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतों में तो लगातार इजाफा होता रहा, लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतों ने सर उठाना फिर से शुरू किया। आपको ये भी याद करवा दें कि पिछले एक दो दिन में पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतों में कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन बाद में वो खुशी खुशी एक मरतबा फिर परेशानी में बदल गई। आपको बताएं एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आज अमरीकी डॉलर की कीमतों में इजाफा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल HTV न्यूज़ में। दोस्तों मज़ीद डिस्कस करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स आपको बताएं कि अगर बात करें इंटर बैंक की, आपको बताएं कि इंटर बैंक ऑलरेडी आप सभी दोस्त जानते हैं कि संडे यानी दोस्तों छुट्टी होने की वजह से बंद थे, लेकिन आपको बता दें जिस वक्त इंटर बैंक में डॉलर के रेट्स ने क्लोजिंग की थी तकरीबन 35 पैसे का इजाफा हुआ था, लेकिन आपको अपडेट्स करना ज़रूरी बनता है। आपको बताएँ कि इंटर बैंक में जिस वक्त मार्केट ने क्लोजिंग की थी डॉलर की कीमत 35 पैसे के इजाफे के साथ 224.75 रुपये की सतह पर पहुँचने के बाद ट्रेड कर रही थी, लेकिन आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, ये दो दिन छुट्टी की होती हैं, इन दो दिनों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, ज़्यादा चांसेस कमी के होते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतों में इजाफा। अगर इसकी नस्बत पाकिस्तानी ओपन मार्केटों की बात करें, पूरे 45 पैसे का इजाफा ओपन मार्केटों में देखने में आ चुका है। आपको बता दें कि ओपन मार्केटें ऑलरेडी हर वक्त खुली रहती हैं, डॉलर को एक्सचेंज करवाने में, करेंसी को एक्सचेंज करवाने में खुली रहती हैं। अगर बात आएँ 45 पैसे के इजाफे के साथ, अगर रेट्स की बात करें 225 रुपये और 25 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रही है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इजाफा देखने में आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें और हमें वीक कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम वीकली गोल्ड प्रिडिक्शन पर वीडियो अपलोड करें या ना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।